हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपको दो साल के बच्चे के लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्वेटर डिजाइन बताने जा रही हूँ, जो बहुत अधिक सिंपल है और देखने में एकदम से रेडीमेड लगेगा। ये मैंने इसकी स्लीव्स बनाई है। ये स्लीव्स हैं हमारी, ये वाली स्लीव्स में मैंने स्ट्राइप्स यूज की है। नीचे हमने रेड कलर का बॉर्डर बनाया है, 40 फंदों का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने बॉर्डर के बाद 10 फंदे बढ़ाकर यहाँ पर 50 फंदे किए हैं। फिर मैंने हर पांचवी सलाई में दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया है और ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। यहाँ पर ऊपर तक मैंने इसमें 70 फंदे किए हैं, यहाँ 70 फंदे किए हैं। फिर मैंने इसमें 3 2 1 ये वाली घटाई की है और फिर सारे फंदे एक साथ घटा दिए हैं। रेड कलर की मैंने 4 सलाई बनाई है और पिंक और ग्रीन, ये मेरा पिकॉक ग्रीन कलर है, इस वाले कलर की मैंने 12 सलाई बनाई है, 12 12। ये हमारी बैक है। मैं बहुत सिंपल डिजाइन बताती हूँ ताकि आपको बैक और स्लीव्स आपकी सिंपल बन जाए, केवल आगे के पार्ट्स में आपको थोड़ा सा डिजाइन बनाना पड़ता है। ये हमने बैक बनाई है। यहाँ मैंने 70 फंदे डाले हैं और 70 फंदे डालने के बाद यहाँ मैंने बॉर्डर के बाद 80 फंदे किए हैं। फिर यहाँ पर मैंने ये देखो, ये 10 इंच की लेंथ होने के बाद यहाँ पर मैंने 3 2 1 ये वाली घटाई की है। बैक में मैंने गला नहीं घटाया है, ठीक है। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसको हम एकदम से रेडीमेड लुक देंगे और इससे हमारा स्वेटर बहुत अधिक सुंदर लगेगा। ये देखिए, जैसे ये हमारे 70 फंदे थे, 70 में 10 बढ़ाकर यहाँ हमने 80 फंदे किए हैं। और अब मैंने इसमें यहाँ पर एक छोटा सा बोट पैटर्न डाला है। ये बोट हमने, जैसे मेरे पास यहाँ 80 फंदे थे तो 80 फंदों को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आपके फंदे ज्यादा हैं तब भी आप इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। 40 फंदों में हम डिजाइन डालेंगे और 40 फंदे में हम 4 4 सिलाई के स्ट्राइप्स डालेंगे। जब हमारा स्वेटर का ये आधा हो गया है, एक डिजाइन पैटर्न डल चुका है, उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे। मीन्स इधर अब हमारी स्ट्राइप्स आएंगी और इस साइड हमारा पैटर्न आएगा। ये देखो, यहाँ भी मैंने 10 12 सिलाई प्लेन की है और यहाँ मैंने ये वाली, यहाँ भी मैंने 8 सिलाई प्लेन की है। अब हम अपना ये बोट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। वैसे ये पैटर्न मैंने ऐसे ही बनाया है कि आपको इसके लिए ग्राफ की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को ग्राफ से ही ज्यादा अच्छा लगता है तो ये देखिए, ये वाला मैंने इसके लिए ग्राफ बनाया है। आप ग्राफ की हेल्प से बड़ा इजीली ये बना सकते हैं। बिना ग्राफ के मैं बता देती हूँ कैसे बनेगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर 14 फंदों से शुरू किया है। यहाँ हमारे 14 यानी कि 14 फंदे हैं और यहाँ तक हमारे 24 फंदे हैं। तो ये हमारे 14 फंदे हैं और ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 40 फंदे हैं। तो हम 40 फंदों में से अगर 40 फंदों में से 14 फंदे घटाते हैं तो 26 फंदे बचते हैं। 26 में हम 13 फंदे इधर बुन लेते हैं और 13 इधर। अगर आप ग्राफ नहीं भी यूज करते हैं तब भी ये डिजाइन आप बड़ा इजीली बना सकते हैं। ये देखिए, यहां तक मेरे ये 40 फंदे हैं जिसमें धारियां डलेंगी, तो इसको हमें नहीं टच करना है। इन वाले 40 फंदों में हमें डिजाइन डालना है, तो उसके लिए मैं पहले 13 फंदे रेड बुन लेती हूँ। ये देखिए, ये हमने 13 फंदे बुन लिए हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर आपके पास बीच में हमें 14 फंदे रखने हैं, बाकी आपके पास जितनी भी फंदे बचती हैं आप उनको हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं। मेरे 40 फंदे थे, 40 में से 14 व्हाइट होंगे, ये वाले ये, और बाकी मेरे 13 इधर और 13 इधर आ जाएंगे। तो अब मैं
यहाँ पर व्हाइट धागा लगाती हूँ और व्हाइट वूल लगाकर 14 फंदे बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 14 फंदे व्हाइट बना लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और अब हम ये 13 फंदे फिर से रेड बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे हमारी बोट बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाला ये पोर्शन। अब हमारी सेकंड रो आ गई है। यहाँ पर हमने पहले 13 बुने थे, इस बार हम 13 की जगह 12 फंदे बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने 12 फंदे बुन लिए हैं, एक फंदा हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये जो हमारे 14 थे, इस बार ये हमारे 16 हो जाएंगे। ये वाला भी हम व्हाइट बुनेंगे और ये वाला भी। ये रेड वाले को हम व्हाइट बुन लेते हैं ऐसे। तो जो ग्राफ की हेल्प से नहीं बनाते, वो भी ये डिजाइन बड़ा इजीली बना सकते हैं। ये अब ये हमने व्हाइट बना लिया, इसको मिलाते हुए हम 16 फंदे बनाएंगे। एक ही लास्ट वाला रेड भी हम व्हाइट बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 16 फंदे ये व्हाइट बना लिए हैं। अब हमारे पास 12 फंदे बचेंगे। ये 12 फंदे हम रेड बनाएंगे और इधर की स्ट्राइप्स हमारी कंटिन्यू रहेंगी। ये देखिए, ये हमारी नेक्स्ट सीधी रो आ गई है। अभी हमने ये 16 फंदे किए थे, इस बार ये हमारे 18 हो जाएंगे। ये हमारे 12 की जगह रेड वाले 11 हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने 11 फंदे बुन लिए हैं। अब हम ये 16 की जगह 18 फंदे बनाएंगे। 18 व्हाइट बनाएंगे और 11 रेड बनाएंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारे 18 फंदे हो गए हैं और ये हमारे 11 हो गए हैं। अब हमारी ये वाली रो आएगी, ये हमारे 10 हो जाएंगे, ये 20 और ये भी 10। ये देखिए, ये हमारे 20 फंदे हो गए हैं और ये हमारे 10 हो गए हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये देखो, जैसे ये हमने स्ट्राइप्स डाली है, तो जब हम नीचे वाली स्ट्राइप्स चेंज करते हैं तो सीधी सिलाई में करेंगे, और जब ऊपर की स्ट्राइप्स चेंज करेंगे तो उल्टी सिलाई में करेंगे, वरना आपको धागा बार बार तोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाली में हम उल्टी सिलाई में, ये हमारी 4 सिलाई हो गई है। अब हम, और जब धागा, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो हमेशा क्रॉस बनाकर जाएंगे। ये अब हमने ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, अब हम इसमें रेड सिलाई उल्टी सिलाई में चेंज करेंगे। ये देखिए, इस बार ये हमारे फंदे 22 हो जाएंगे, ये दोनों भी इसी में आ जाएंगे, और नेक्स्ट सिलाई में ये 24 हो जाएंगे। अभी हम इनको 22 कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे उल्टी सिलाई में 24 हो जाएंगे, ये और ये इसमें ऐड हो जाएगा, और 24 के बाद अब हमें इन्हें नहीं बढ़ाना है। ये देखिए, ये फंदे हमारे 24 हो गए हैं। अगर आपको बोट इससे बड़ी बनानी है तो आप इसे 26 या 28 भी बना सकते हैं। ये देखो, मेरी जैसे यहाँ पर ये 24 हो गए थे, अब हमें बीच में 2 सिलाई एकदम प्लेन बनानी है रेड कलर की, उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 सिलाई रेड बना ली है। अब हम बाकी के फंदे हमने बुन लिए हैं, जहाँ हमने ये बोट वाला फंदा था व्हाइट, इस पर आ गए हैं। इसमें हम 11 फंदे येलो बनाएंगे, ये वाले 11 येलो बनाएंगे, 2 बीच के रेड बनाएंगे और 11 फिर से ग्रीन बनाएंगे। अब हम 11 फंदे येलो बनाते हैं। ये देखिए, मैंने 11 फंदे येलो बनाए हैं। अब मैं 2 फंदे रेड बनाती हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे पास यहाँ 24 फंदे हो गए थे ये व्हाइट, तो बीच में 2 हमें सीधे रखने हैं। ये देखिए, यहाँ पर रेड ही रखने हैं, बाकी फंदों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 11 एंड 11। आपके पास जितने फंदे हैं आप उन्हीं को डिवाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अब मैं 11 ग्रीन फंदे करती हूँ। यहाँ जो हमारा है वो दूसरा धागा रहेगा और इधर हम ये ग्रीन दूसरा लगाएंगे, वरना तो ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा।
ये देखिए, ये हमारी सीधी सिलाई हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। उल्टी सिलाई में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो रेड है वो रेड बुने जाएंगे, 11 फंदे ग्रीन, दो रेड, 11 येलो, ये रेड और ये ग्रीन, मीन्स इसमें हमें कोई फंदा चेंज नहीं करना है। देखिए अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं, ये यहां हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं। अब हम ये जो हमारे 11 फंदे थे, ये हम 11 की जगह 10 कर देंगे, ये रेड बुनेंगे और एक येलो फंदे को भी हम रेड बुनेंगे ऐसे। उल्टी सिलाई में हमें फंदा कम नहीं करना है, सीधी में ही करना है। अब ये हमारे येलो फंदे 10 रह जाएंगे, 10, 2, 3, ये देखिए ये हमने 10 फंदे येलो बुन लिए हैं। ये हम अपने दोनों रेड ही बुनेंगे हर बार, 1 और 1, 2, और ये वाले ग्रीन भी हमारे 10 बुने जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10, और एक ये जो ग्रीन फंदा है इसको हम रेड बना लेंगे ऐसे। इस तरह से ये हम फंदे, उल्टी सिलाई में हमें फंदे चेंज नहीं करनी है, उल्टी सिलाई हमारी सेम रहेगी, केवल सीधी सिलाई में फंदे चेंज होंगे ये वाले। ये देखो उल्टी में अब हमारे ये 10 और ये 10 ही रहेंगे, और सीधी सिलाई में नेक्स्ट बार ये 9 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में दिखाया है। ये देखो दो दो सिलाई सीधी में चेंज हो रही है, 10 की जगह 9 हो रही है, ये 9 हो गए, फिर ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1 रह जाएगा। जब हमारा ये 1 फंदा रह जाएगा तब हम कलर इंटरचेंज करेंगे और यहाँ पर ये 5 फंदे येलो बनाएंगे, सॉरी इधर हम ग्रीन की साइड येलो बनाएंगे और येलो की साइड ग्रीन बनाएंगे, फिर उनको 5 को 4, 3, 2 ऐसे बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा बोट का डिजाइन ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसी। जैसी बोट हमारी यहाँ बनी है सेम ऐसी ही बोट हमारी इधर तैयार हो जाएगी, और उसके बाद हम इसमें यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे यहाँ पर, फिर हम ये वाली, मैंने एक डबल धागा लिया और यहाँ पर इसमें डाला, ये देखो ऐसे डाला, और इसमें दो 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 के बाद, ये आप कैसे भी डाल सकते हैं, बहुत इजी है ऐसे, वैसे दो दो में डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, डालने के बाद ऐसे कर देना है। वरना ये टाइट हो जाएगा ऐसे। ये देखिए इस तरह से हम इधर वाली स्ट्राइप्स में और इधर वाली में ये डाल लेंगे, और आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा, बहुत सुंदर स्वेटर बनेगा। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पिक मैं आपको जरूर दूंगी। ये देखिए ये हमारा इसका ग्राफ है, ये ग्राफ आप बड़ा इजिली तैयार कर सकती हैं, ग्राफ की हेल्प से भी बना सकती हैं। ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बहुत आराम से ये वाला डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।